छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने सीएम भूपेश बघेल सभास्थल पहुंचे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 16 फरवरी को चित्रकूट विधानसभा के धूरा गांव में एक आम सभा को संबोधित करेंगे, साथ ही टाटा उद्योग प्रभावित किसानों को भी पट्टा वितरण करेंगे। प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए टाटा स्टील की ओर से प्लांट लगाया गया। प्लांट के लिए किसानों से जमीन भी ली गई, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी प्लांट शुरू नहीं हो पाया। किसानों की जमीन भी चली गई और रोजगार भी नहीं मिला, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही थी। कई बार सरकार को जमीन वापस करने के लिए लिखा भी गया, लेकिन अब किसानों को जमीन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 फरवरी को चित्रकूट विधानसभा के धुरनगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और टाटा प्लांट में ली गई किसानों की जमीन को वापस करेंगे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां 5 साल में प्लांट नहीं लगने पर उद्योग के लिए ली गई जमीन किसानों को वापस की जाएगी। इसी के साथ राहुल गांधी ऋण माफी पत्र भी किसानों को बांटेंगे। गुड़ा में जो स्टील प्लांट लग रहा था और उसमें वो लगा नहीं, और 2016 में टाटा ने कह दिया कि हम यहाँ कोई उद्योग नहीं लगा सकते, और इस कारण से ये पूरे देश की पहली घटना है कि 5 साल के ऊपर यदि प्लांट नहीं लगा तो उस जमीन को किसानों को वापस करना है। और इसलिए यहाँ इस कार्यक्रम का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको देखा जा रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन वापस किया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण जो फॉरेस्ट टाइप एक्ट है, उसके तहत निजी पट्टे तो दिए गए, निजी दावे निपटाए गए, लेकिन सामुदायिक दावे नहीं निपटे थे, और उसमें भी जो निजी दावे किए थे उसमें से आधे से अधिक को आवेदन को निरस्त कर दिया गया था, उसे फिर से दे रहे हैं। झरीम कांड पर सीएम भूपेश ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये कोई नक्सली हमला नहीं था, बल्कि कांग्रेस नेताओं को खत्म करने के लिए बीजेपी की सुपारी की लिंक थी। मामले को लेकर भले ही एनआईए जांच कर रही है, लेकिन एनआईए की जांच पर लगातार राज्य सरकार सवाल उठा रही है। झरीम कांड के लिए प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव के कारण एनआईए ने जांच की फाइलें एसआईटी को देने से इनकार कर दिया है। देखिए, भारत सरकार ने जेरम घाटी में एनआईए जो के पास हमने भेजा था कि हमें एसआईटी गठन कर दिए हैं, हमको केस वापस किया गया है, केस तो हमारा है, उनको तो वापस करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कुछ दाल में कुछ न कुछ काला है। हमारा ही केस है, हमको क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? हमने उनको दिया था, वो खुद जांच नहीं कर पाए हैं। सारे जो गवाही उनसे जितने गवाहियों में नाम है उनसे भी पूछताछ नहीं किए हैं और फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिए हैं, तो जांच तो अधूरी है, हम पूरा करना चाहते हैं। तो उनको तो कोई एतराज होना नहीं चाहिए था। जब एतराज कर रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। और फिर इसके दूसरे रास्ते भी हैं, हम न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय से शरण में जाएंगे। राहुल गांधी के दौरे से किसानों में काफी खुशी है। एक लंबे अरसे बाद किसानों को अपनी जमीन वापस मिलने जा रही है, जो किसी त्योहार की खुशी से कम नहीं है। एक बार फिर से किसान अपनी भूमि पर खेती कर सकेंगे। टोटल न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। चलिए, इस खबर में विजय पचौरी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ तैयारियां चल रही है राहुल गांधी के रोड शो की? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये देश की पहली घटना होगी जब किसी उद्योग के लिए जमीन को अधिग्रहण के बाद उसे किसानों को लौटाया जा रहा है, और खुद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि ये ऐतिहासिक पल होगा। और चूंकि कांग्रेस के दिशा निर्देश पर सारी कार्रवाइयां की जा रही है, इसलिए इसे भव्य रूप से इस कार्यक्रम को करने के लिहाज से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो खुद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और इस दौरान टाटा की जो जमीनें जो अधिग्रहण की गई थी जो किसानों को, उन्हें राहुल गांधी अपने हाथ से उन पट्टों को वापस किए जाएंगे जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी।
इस पूरे कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए इस दौरान। और सबसे खास बात ये रही कि जो हाई प्रोफाइल मामला है, जो झीरम घाटी का, जो कि हाई प्रोफाइल के साथ साथ देश का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्या जिसे माना जाता है, उस पर भी भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि झीरम की जो घटना है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुपारी किलिंग करवाई गई थी, जिसमें कि उनके पार्टी के बड़े राजनीतिक जो नेता हैं उनकी हत्या की गई थी। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इसके पहले किसी भी हत्याकांड में नक्सली कभी भी इस तरह से नाम पूछ कर किसी की हत्या नहीं करते हैं, लिहाजा निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं संदेह और दाल में काला होने की बात भी भूपेश बघेल ने कही थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जब सरकार आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर झीरम घाटी की फिर से जांच कराई जाएगी। एनआईए के द्वारा जो जांच की जाती है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में असंतोष है, और यही वजह है कि उन्होंने एक एसआईटी की टीम भी गठित की है इस पूरे मामले पर जांच करवाने के लिए। हालांकि एनआईए ने इस पर से पूरी रिपोर्ट एसआईटी को और छत्तीसगढ़ सरकार को वापस देने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर भी भूपेश बघेल ने संदेश जारी करते हुए कहा कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी है या किसी न किसी तरह के आरोप या संदेह भी इसमें उनको नजर आ रहा है, और यही वजह है कि सरकार उन्हें यह फाइल लौटाना नहीं चाहती। और इससे पहले उनका यह भी कहना था कि जब ये केस उनके राज्य से उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उनके द्वारा ही इस पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें इस तरह से रोकना उनके समझ से परे है। जी साफ तौर पर किसानों का क्या कुछ कहना है, किसान बहुत समय से प्रताड़ित चले थे, उनकी अब जमीन मिलने जा रही, तो किसान क्या कुछ कहना है किसानों का वहां के? देखिए निश्चित तौर पर किसान के चेहरे पे एक अलग ही खुशी इस पर नजर आ रही है, क्योंकि 75 करोड़ से अधिक रुपए का मुआवजा यहाँ पर किसानों को बांट दिया गया था, और साथ ही साथ जो जमीनें अधिग्रहण की गई थी वो भी अब उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। और इसमें सबसे खास बात ये रही है कि जिन्होंने मुआवजे के तौर पर जो रकम दी थी वो रकम भी किसानों से वापस नहीं ली जा रही है, यह उनके लिए दोहरी खुशी का समय है। हालांकि इसके लिए चित्रकूट विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़ी थी, और साथ ही साथ जो किसान हैं उन्होंने भी काफी लंबे समय से मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने लंबा विरोध किया था टाटा का, जिसके बाद 2016 में हार कर टाटा को वापस जाना पड़ा था और उन्होंने यहाँ उद्योग नहीं लगाने का फैसला लिया था। निश्चित तौर पर इस फैसले के बाद अब किसानों में बहुत खुशी है, तो वहीं कांग्रेस पर अपने आप का पीठ थपथपा रही है कि यह देश का पहला ऐसा मामला होगा कि उद्योग के मामले में किसी किसानों को अधिग्रहण की गई जमीन उन्हें लौटाई जा रही है। चलिए तमाम जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को पहली बार रायपुर प्रवास पर रहेंगे। शाह बुढ़ापारा इंडोर स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से रायपुर क्लस्टर स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि शाह के आने पर बीजेपी की ओर से एक बड़ी रैली की तैयारी की जा रही थी, लेकिन भीड़ को लेकर असमंजस के कारण कार्यकर्ता सम्मेलन में बदल दिया। विधानसभा के हार के बाद अमित शाह बड़े नेताओं में आई दरार को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में इसका असर ना पड़े। शाह सम्मेलन के बाद बड़े नेताओं से अलग से बात करेंगे। शाह प्रदेश में 2 दिन तक रुककर बीजेपी नेताओं की बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी भी लेंगे।